ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद खबर है कि आतंकी भारत में बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ कर रहे हैं। ढाका में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही बीएसएफ को भी सतर्क कर दिया गया है। इस हमले की वजह से बीएसएफ ने मालदा के मोहदीपुर के बंदरगाह क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है। सीमा से लगे सभी प्रवेश द्वारों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जांच की जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुलशन डिप्लोमेटिक जोन स्थित होली आर्टिशन बेकरी रेस्टोरेंट में 8 से 10 हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया था। करीब 30 से ज्यादा विदेशियों और कई डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश के सुरक्षा बल ने बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद कमांडो ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। आपको बता दें कि सभी आतंकी उच्च शिक्षित थे और अच्छे घराने से थे। इस आतंकी घटना के बाद भारत में भी इस तरह के इनपुट के बाद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।